बॉलीवुड सेलिब्रिटीज वैसे तो काफी पर्टिकुलर रहते हैं क्या बोलना है कैमरे पे और क्या नहीं, लेकिन एक दो भूल चूक तो हर इंसान से होती है, फिर इनसे कैसे ना हो। समटाइम्स सेलेब्स टू से थिंग्स दैट दे इंटेंड टू डू इन द स्पर ऑफ द मोमेंट, और जब सेलिब्रिटीज ऐसा कोई ब्लंडर करते हैं तो काफी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी में कन्वर्ट हो जाती है। हे गाइज एंड वेलकम टू ग्लैम्बिया। आज हम जानेंगे हमारे ए लिस्टेड एक्टर्स ने कितनी बार कैसी कैसी सिली कोड्स बोलकर अपनी बेइज्जती पब्लिकली कराई है और बने हैं फेमस मीम्स का हिस्सा। लेट्स टेक अ लुक एट सम फनी एंड सिली स्टेटमेंट्स मेड बाय आवर वेरी ओन बॉलीवुड सेलेब्स। ऑन नंबर वन वी हैव करीना कपूर खान। बॉलीवुड की हॉट शॉट क्वीन करीना कपूर वैसे तो काफी पॉश स्टेटमेंट देती हैं, लेकिन ऐसा भी हुआ है जब करीना के मुंह से इतना डंब स्टेटमेंट निकला था कि जब उन्होंने खुद सोचा होगा उस बारे में तो शी वुड हैव बीन वेरी अशेम्ड। एक बार एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया इफ शी ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एन एक्ट्रेस और नॉट, एंड शी सेड आई रियलाइज आई वॉन्टेड टू बी एन एक्ट्रेस फ्रॉम द डे आई वॉज आउट इन हॉस्पिटल। आई थिंक इंस्टेड ऑफ द वर्ड मॉम I said the word films. अब इस बात पे बेइज्जती तो काफी हुई करीना की, but she handled it completely, poor style and didn't give a damn at all. Number two, पर बॉलीवुड की आज तक की सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन का नाम है एंड शी इज राखी सावंत। राखी सावंत एंड ड्रामा गो हैंड इन हैंड। हर रोज एक नई मीडिया ग्रिल ट्रिप शुरू करने के लिए राखी कोई ना कोई स्टेटमेंट देती ही रहती हैं। ऐसे ही एक स्टेटमेंट था द शेरावत थिंग दैट शी इज सच अ डीवा, इन द आई ऑफ गॉड ऑल आर इक्वल एंड सेम, शी शुडंट हैव सो मच ऑफ घमंड, इफ आई डू आई विल गो इन टू द गटर। शेरावत से तो आप समझ ही गए होंगे कि ये स्टेटमेंट उन्होंने मल्लिका शेरावत के लिए बोला था, बट यहाँ एक भी शब्द का कोई मतलब ही नहीं निकला, जस्ट लाइक हाफ ऑफ राखीज अदर स्टेटमेंट। नंबर थर्ड इन द लिस्ट इज किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान। वैसे तो SRK इज नोन फॉर हिज वाइज वर्ड्स एंड सोफिस्टिकेटेड कोट्स, लेकिन एक बार उन्होंने भी ऐसा एक स्टेटमेंट बोला था कि लोगों को समझ ही नहीं आया कि उस पे रिएक्ट कैसे करें। उन्होंने कहा आई ट्रूली बिलीव दैट no actor can touch me. As arrogant as he sounds here, the statement was mistakenly taken by people और हर कोई अपनी एक अलग definition बनाकर SRK को जज करने लग गया था, इसलिए तो कैमरा के सामने सोच समझ कर ही मुंह खोलना चाहिए। और नंबर फोर्थ वी हैव ईशा देवल। आई विल एग्री टू डू ओनली टू हीरोइंस और अ सोलो हीरोइन फिल्म। ये था वो स्टेटमेंट जिसे बोलकर शायद ईशा ने अपने करियर का सबसे बड़ा डाउनफॉल प्लान कर लिया था, जहां हीरोइंस मेन लीड में आना चाहती हैं और ज्यादा स्क्रीन स्पेस पाना चाहती हैं, वहीं ईशा सिर्फ दो हीरोइंस वाले फिल्म में अगर इंटरेस्टेड होने की बात करेंगी तो फिर तो क्यों ना कोई मजाक उनका उड़ाएगा। लास्ट और सबसे बिजार स्टेटमेंट देने वाले सेलिब्रिटी है 80s से लेकर 2000s तक के फेमस विलन एंड कॉमेडियन। नंबर फिफ्थ वी हैव शक्ति कपूर। इन्होंने एक बार एक मीडिया पर्सन को बताया कि ही इज टर्निंग हिज आईज अ लॉट टुवर्ड्स अल्कोहल दीज डेज और वो चाहते हैं कि कोई उन्हें सोबर होने में हेल्प करे, एंड देन ही सेड दिस द बेस्ट वे टू सोबर मी डाउन इज बाय किसिंग मी ऑल ओवर। As weird as it sounds, Shakti really should have thought twice as a statement publicly बोलने से पहले। कुछ लोग तो शक्ति जी का मजाक उड़ाने लग गए थे, लेकिन कुछ ऑफेंड भी हो गए। अब जैसी स्टेटमेंट था उस हिसाब से दोनों ही रिएक्शंस बनते थे। With this, we come to the end of this very special and interesting gossip. हम फिर मिलेंगे एक नई और exciting वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और हमारे चैनल ग्लैम्बिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Take care, bye bye, stay safe.